खबर शिवपुरी से। श्रीमंत सिंधिया के विशेष प्रयासों से शिवपुरी जिले में हुई डीएपी खाद की आपूर्ति। ग्वालियर चंबल अंचल में डीएपी खाद की किल्लत को देखते हुए किसानों की समस्या से चिंतित होकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी से मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल में डीएपी की उपलब्धता कराई, जिसमें अशोकनगर की बात आज शुक्रवार को शिवपुरी जिले को प्राप्त हुई। खाद की ट्रेन रैक शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरवीर रघुवंशी, पवन जैन अध्यक्ष नागरिक बैंक, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश शर्मा, प्रदीप यादव सरपंच एजवारा, बलवीर निवोरिया, नवल जाटाव, हरिओम राठौर अपने सभी साथियों के साथ शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। श्रीमंत महाराज साहब का शिवपुरी जिले के किसानों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे महाराज केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिराय सिंधिया जी के अथक प्रयासों से वहाँ केंद्रीय उर्वरक मंत्री से जाकर मिले। ग्वालियर अंचल में खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, बोनी के लिए परेशान है। आज हमें जब हम शिवपुरी रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ ट्रैक आ गई, सब में खुशी की लहर थी। सभी साथी थे, किसान थे, सबों ने महाराज का धन्यवाद दिया। जय हिंद। खबर भारतवर्ष के लिए शिवपुरी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।